आफ्टरनून। ये आज आपका चैप्टर थर्ड का एमसीक्यू का है, मैथ्स द फॉलोइंग का टेस्ट है। लॉगिन हो गए। आज आपका टेस्ट है चैप्टर थर्ड एमसीक्यू है मैथ्स द फॉलोइंग। चलिए पहले एमसीक्यू रिवाइज करवा देते हैं। आवाज आ रही है सब मेरी? आवाज आ रही है? यस, टाइप करो। यस, फर्स्ट इज डैश प्लस इज यूज टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट दैट आर फार अवे। वाइन हैजी वेट कीजिएगा बेटा। पार्टी हो चुकी है बेटा, नेटवर्क नहीं आ रहा इसलिए डिस्कनेक्ट हो जा रही है। चलिए अब आ रही है आवाज। कंप्यूटर क्लास तो 12 o'clock ही स्टार्ट कर दी थी ना, तो आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये सारी आवाज जोएश मानसी काला ज्योति खुशी आवाज आ रही है बेटे? यस, ओके। सेकंड इज डैश इज द लीड डेवलपर एंड डिजाइनर ऑफ टक्स पेंट। कौन थे डेवलपर एंड डिजाइनर? तो आप क्या लिखोगे इसमें? बिल कैंड्रिक। बिल कैंड्रिक थे आपके टक्स पेंट के डिजाइनर और डेवलपर। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड टू क्रिएट फ्री हैंड पैटर्न। फ्री हैंड पैटर्न किसके पास होता है? कैलिडोस्कोप टूल के पास, ठीक है। फोर्थ वन इज वैन लाइन टूल इज सेलेक्टेड द पॉइंटर चेंजेस इन टू डैश सिंबल। जब आपका लाइन टूल हम सेलेक्ट करते हैं तो सिंबल कौन से उसमें सेलेक्ट हो जाता है? आपका प्लस सिंबल, ठीक है बेटे। ड्रॉ अ ट्रायल ऑफ रेनबो कलर्स एज यू ड्रैग द मैजिक बैंड ऑन द ड्रॉइंग एरिया। जब आप ट्रायल लेते हैं रेनबो कलर्स का, इसमें जाते हैं आप रेनबो इफेक्ट, किसमें जाते हैं रेनबो इफेक्ट, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का टेस्ट लेना। यस रेडी फॉर टेस्ट। जो एक आर्यन ज्योति खुशी एमसीक्यू का टेस्ट ले ले आप। ओके चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू क्रिएट फ्री हैंड पैटर्न, कैलियोडोस्कोप एम्बर्स या ड्रिप। टाइप करो फटाफट से। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू क्रिएट फ्री हैंड पैटर्न, कौन फ्री हैंड पैटर्न क्रिएट करता है। जोएस इज टाइपिंग एंड वेरी वेरी गुड बेटे। सबके ही आंसर ठीक है। मानसी काला इज ऑल्सो टाइपिंग, तो मानसी काला टाइपिंग कर ले, उसके बाद हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। कर लो बेटा टाइपिंग कर लो। खुशी है आपने लर्न नहीं किया बेटे अभी। वेरी गुड मानसी। खुशी आप भी अब बेटा लर्न करते रहिए। यस जब तक खुशी टाइपिंग करेगी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन लाइंस टूल इज सेलेक्टेड द पॉइंटर चेंजेस इनटू डैश सिंबल, मल्टीप्लाई प्लस या एट द रेट सिंबल का। चलिए बताइए किसमें लाइंस टूल जब सेलेक्टेड करते हैं तो पॉइंट सिंबल किस में चेंज हो जाता है। वेरी गुड जुएस ने आंसर दिया है। फटाफट दीजिए आंसर। वेरी गुड। यस नेक्स्ट इज यस वेरी गुड। सबके ही आंसर ठीक है। जोएश का भी ठीक है, आर्यन, खुशी, मानसी। वेरी गुड बेटे। यस नेक्स्ट इज द डैश ट्रायल, ड्रॉ अ ट्रायल ऑफ रेनबो कलर्ड एज यू ड्रैग द मैजिक बैंड ऑन द ड्रॉइंग एरिया। यस फटाफट टाइप करो। द डैश ड्रॉ अ ट्रायल्स ऑफ रेनबो कलर्स एज यू ड्रैग द मैजिक बैंड ऑन द ड्रॉइंग एरिया। वेरी गुड। जो इसने टाइप किया है, यस मानसी भी टाइप कर रही है, मानसी भी कर रही है। आर्यन आप भी टाइप कीजिए। यस कॉपी पेस्ट नहीं करना है, टाइप करो आप। कोई बात नहीं, धीरे टाइप हो रहा है, कर लीजिए जैसे भी हो रहा है। वेरी गुड। सबने टाइप कर लिया। वेरी गुड बेटे। यस नेक्स्ट इज डैश ब्रश इज यूज टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट दैट आर फार अवे, डैश ब्रश इज यूज टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट दैट आर फार अवे।
ये जो आपने रेनबो बनाया ना, यही बेटा, जैसे जो रेनबो इफेक्ट आएगा ना उसमें यही आएगा, लेकिन एक रियल रेनबो आता है, एक सिर्फ रेनबो नाम से आता है। तो रियल रेनबो में ऐसा रेनबो आएगा रियल की तरह ही, और जो डिफरेंट दूसरा रेनबो होता है उसमें आप अपने हाथ से कलर बना सकते हैं, मतलब अपने हाथ से ही आता है वो, हाथ से बना हुआ। ये रियल रेनबो की तरह लगता है। यस, नेक्स्ट इज डैश इज द लीड ए डेवलपर। वेरी गुड, सब कहीं ठीक है सुबी, वेरी गुड बेटे। डैश इज द लीड डेवलपर एंड डिजाइनर ऑफ टच स्क्रीन। डैश इज द लीड डेवलपर एंड डिजाइनर ऑफ टच पेन। वेरी गुड जोएश, जोएश आपकी बिल की स्पेलिंग BILL कर लीजिएगा। वेरी गुड, यस, सबने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, खुशी आपके भी हो गए बेटे। ठीक है, सबकी स्पेलिंग ठीक है, बस जोएश ने बिल की रॉन्ग लिखी थी। खुशी आपका वर्क कंप्लीट है बेटे, खुशी यादव आपका वर्क कंप्लीट है, चैप्टर 1 to 4। अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, अगर हेल्प लेनी पड़ती है तो ले लीजिएगा, ठीक है ना। आपसे इतना सारा वर्क हो नहीं पाता तो आप हेल्प ले लेना। ओके, यस, नाउ मैच द फॉलोइंग। बुक्स परचेज कर ली खुशी आपने? यस, जितने बच्चे क्लास ले रहे हैं सबने बुक परचेज कर ली है। मानसी, आर्यन और ये, अच्छा खुशी ने भी परचेज कर ली। ओके, एंड आर्यन आपने, जोएश, जोएश ने तो परचेज कर ली। आर्यन आपने बुक परचेज कर ली है? ज्योति आपने बेटे? ओके, कैलियोडोस्कोप टूल को आप किससे मिलाओगे? कैलियोडोस्कोप टूल देखो दोनों तरफ से बना हुआ है, मतलब एक तरफ से बनाते हैं तो दूसरी तरफ से भी ऑटोमेटिकली बनता जाता है, तो वही जिसमें दोनों सेम ड्राइंग है आपकी, दिख रही है यहाँ पे आपको कैलियोडोस्कोप में दिख रहा है ना। यस, नेक्स्ट इज मोइशियस इफेक्ट। मोइशियस इफेक्ट में आपको डबल लाइन दिख रही होंगी, दिख रही है? उसमें मैच करेंगे। एंड मैजिक में आपको दिख रहा होगा मैजिक वैंड जैसा, उसमें आपको डॉटेड से दिख रहे होंगे, जैसे हम छड़ी सी घुमाते हैं ना वैसे ही। तो मैजिक टूल में आप मैजिक को करोगे। पेंट में आप ब्रश की तरह दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे हम पेंट नहीं करते किसी बुक वगैरह में वाटर कलर,
तो वाटर कलर का ब्रश देखा है ना, तो ऐसे ही हम पेंट टूल में उसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है एम्बोस इफेक्ट, उसमें ऑलरेडी ई लिखा हुआ है आपका, तो ई वाले में मैच कर देंगे। लाइन टूल में आपका लाइन बनी हुई है, उसमें आप मैच कर दोगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी क्या इसको मैच करने में आपको प्रॉब्लम? जब एग्जाम होंगे, जब मैं मैच द फॉलोइंग दूंगी तो कर लोगे आप मैच? यस खुशी, जोएश, मानसी, ओके बेटे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, फिर मैं अगर अपने मन से भी बना के दे सकती हूँ। स्टैम्प टूल का, हैजी ब्रश ब्रश का आपका, या फिर रियल रेनबो क्या होता है, खाली रेनबो इफेक्ट क्या होता है। वेरी गुड, ठीक है, मैं अपने मन से भी दे सकती हूँ। तो अगर मैं मैच द फॉलोइंग को करने के लिए दूँ तो आप समझ जाना या कर लेना, ठीक है बेटे? आ रहे हैं ना, बार बार क्लास से जा रहे हो, बार बार क्लास से आ रहे हो, क्या है ये? ये चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेना, टक्स पेंट कैसे ओपन करते हैं इसको, ये हमने सेकंड क्लास में ऑलरेडी रीड करा हुआ था। पेंट ब्रश शेप, तो वाइंग ब्रश है, हैजी ब्रश है आपका, पेंट एंड लाइंस में है, ठीक है, एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब आपका जो चैप्टर 4 का मैं टेस्ट लूंगी, वो ओनली फिल इन द एंड ट्रू और फॉल्स लर्न करके रखेंगे आप सब। क्या क्या लर्न करके रखोगे? फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स लर्न कर लोगे। टाइप कीजिए इसे यस और नो। तो चैप्टर 4 के आपके आपको क्या लर्न करके रखना है? फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स अच्छे से लर्न कर लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ लेना, उसकी हिंदी अच्छे से बोल बोल के या इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके उसे अच्छे से लर्न करोगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है? यस, फिर चैप्टर 4 टेस्ट लेने के बाद आपका वर्कशीट में मैं आपको बता दूंगी कि मैं टेस्ट में क्या क्या लूंगी, फिर वो लर्न कर लीजिएगा आप। उसके बाद चैप्टर 5 रीड करेंगे, ठीक है खुशी? तब तक आप बेटा, जब तक लर्निंग भी चल रहा है तब तक आप अपना वर्क भी कर लीजिएगा, हो जाएगा ना वर्क? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटे आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग कर लेना ना बेटा, सुंदर हैंड राइटिंग में खुशी आप वर्क कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? यस, आर्यन के पास भी है बुक, ठीक है बेटे, लर्न भी करते रहना बेटा, क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। यस, एक बार चैप्टर 4 के फिलअप और ट्रू और फॉल्स देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो पूछो। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पूछ लो चैप्टर 4 के फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स में, किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो फिर ये नहीं है कोई प्रॉब्लम तो लर्न कर लेना अच्छे से। सिक्स तो आपके फिलअप है एंड 5 आपके ट्रू और फॉल्स है। यस, कर लेंगे फिलअप। खुशी लर्न नहीं है या आपने वर्क नहीं किया है बेटे? अभी फिलअप नहीं है अभी मैम, क्या नहीं है? वर्क नहीं किया है कि लर्न नहीं किया है? लर्न नहीं किया तो बेटे वो तो बाद में करोगे, और वर्क नहीं किया तो बेटे वर्क करो आप, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लेना, ठीक है?